पूर्वांचल की चर्चित लोकसभा सीट जौनपुर में बीजेपी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी ने कद्दावर नेता कृपा शंकर सिंह को जौनपुर के चुनावी दंगल में उतारा। जौनपुर के रहने वाले कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र की सियासत के धुरंधर खिलाड़ी कुछ साल पहले ही कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए थे। महाराष्ट्र की कांग्रेस सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे कृपा शंकर सिंह चार बार विधायक और एक बार विधान पार्षद रहे। बसपा ने आखिरी समय में अपने सिटिंग सांसद श्याम सिंह यादव को बनाया उम्मीदवार। पहले बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को मायावती ने दिया था टिकट। धनंजय सिंह के जमानत पर जेल से बाहर आते ही बदला समीकरण। समाजवादी पार्टी ने कभी मायावती के करीबी रहे बाबू सिंह कुशवाहा पर लगाया दांव। मायावती सरकार के दौरान हुए NRHM घोटाले के कारण झेल रहे थे राजनीतिक वनवास। घोटाले के समय राज्य के परिवार कल्याण मंत्री थे बाबू सिंह कुशवाहा। 1952 में पूरे देश के साथ जौनपुर में भी पहली बार हुआ था आम चुनाव। कांग्रेस के बीरबल सिंह के नाम दर्ज हुई थी पहली जीत। 1957 में भी बीरबल सिंह ही जौनपुर से जीत कर संसद पहुंचे। शुरुआती दौर में कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी जौनपुर लोकसभा सीट। पहले 6 में से 5 चुनाव में कांग्रेस की जीत। आखिरी बार 1984 में इस सीट पर जीती थी देश की सबसे पुरानी पार्टी। चार बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई जौनपुर लोकसभा सीट। 1989 में यादवेंद्र दुबे दत्त दुबे ने पहली बार खिलाया था कमल। 1996 में राजकेश्वर सिंह। 1999 में स्वामी चिन्मयानंद और 2014 में कृष्ण प्रताप सिंह जीते। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने दो दो बार जौनपुर में झंडा गाड़ा। जनता पार्टी भी 2 बार इस सीट पर जीती। जनता दल और जनसंघ के खाते में एक एक बार गई जौनपुर लोकसभा सीट। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और अब गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन भी जौनपुर से लड़ चुके हैं चुनाव। 2014 में कांग्रेस के टिकट पर सिर्फ 42,000 वोटों के साथ 6 नंबर पर रहे थे रवि किशन। मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई है जौनपुर लोकसभा सीट। 2019 के चुनाव में वाराणसी के आसपास की एकमात्र सीट थी जौनपुर जहां नहीं चला था मोदी मैजिक। सपा बसपा के साझा उम्मीदवार की हुई थी जीत। 2019 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के चलते श्याम सिंह यादव से 60,000 वोटों से हार गए थे बीजेपी के तब के सिटिंग सांसद कृष्ण प्रताप सिंह। कांग्रेस उम्मीदवार देवव्रत मिश्र की जमानत जब्त हो गई थी। जौनपुर लोकसभा सीट का पिछले 25 साल का दिलचस्प चुनावी इतिहास। 1998 के बाद से हर चुनाव में अपना सांसद बदल देते हैं यहाँ के मतदाता। जो एक बार सांसद बना वो दोबारा नहीं जीता। 1991 से 2019 तक जौनपुर लोकसभा सीट पर राजपूतों और यादवों की सीधी टक्कर। आज मुकाबलों में 4-4 बार दोनों जातियों का उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचा। जौनपुर लोकसभा सीट पर बाहुबली नेता धनंजय सिंह बड़ा फैक्टर। राजपूत मुस्लिम और दलित वोटरों पर धनंजय सिंह का बड़ा प्रभाव। बीजेपी को समर्थन के ऐलान से रातोंरात बदला जौनपुर का समीकरण। बाहुबल और वोटरों पर अच्छी पकड़ के बावजूद 2 चुनाव हार चुके हैं धनंजय सिंह। एक बार निर्दलीय तो एक बार लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर हारे। 2009 में बसपा के टिकट पर संसद पहुंचे थे धनंजय सिंह। पूर्वांचल की सीट पर ब्राह्मण और राजपूत वोटरों का दबदबा। 3.25 लाख ब्राह्मण और 2.5 लाख राजपूत वोटर करते हैं उम्मीदवारों की हार और जीत का फैसला। धनंजय सिंह के बीजेपी के साथ आने के बाद राजपूत वोट बैंक के बिखराव की उम्मीद कम। जौनपुर लोकसभा सीट पर 2.5 लाख यादव, 2.5 लाख मुस्लिम और 2.25 लाख दलित वोटर। बाबू सिंह कुशवाहा को उतारकर सपा के मुस्लिम यादव कुशवाहा समीकरण बनाने की कवायद। श्याम सिंह यादव के सहारे दलित यादव केमिस्ट्री बनाने की कोशिश में बसपा। जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत विधानसभा की 5 सीट, 2 पर बीजेपी और 1 पर बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी का कब्जा। मल्हनी और मुंगरा बादशाहपुर सीट समाजवादी पार्टी के पास। जौनपुर में पिछली हार के बावजूद बढ़ा बीजेपी का वोट शेयर। 2009 में 18.8% वोट शेयर वाली पार्टी को 2019 में 42.4% वोट मिले, जबकि 2014 की जीत के समय 36.4% था वोट शेयर। जौनपुर जिले का बेहद समृद्ध इतिहास, ऐतिहासिक धरोहरों का खजाना है। उत्तर प्रदेश का यह शहर भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। जौनपुर की अटाला मस्जिद 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खान के नाम पर इस शहर को बसाया।